भारत की भाजपा सरकार के द्वारा जो एनआरसी और सीएए एनआरपी जैसे काला कानून जो बनाया गया है, इस कानून के विरोध में लगातार 20 दिनों से हमारे झारखंड प्रदेश की माता एवं बहनें इस काला कानून के विरोध में संघर्ष कर रही हैं, महाधरना में बैठे हुए हैं। इस पर उपस्थित हमारे सभी मुस्लिम भाइयों बहनों और साथ में यहां पर जितने भी तमाम जाति समुदाय के उपस्थित तमाम हमारे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं इस महाधरना में उपस्थित उन तमाम माताएं एवं बहनें, बच्चे बच्चियों को मैं उनके जज्बा पर सलाम करता हूं। कितना जबरदस्त ठंड होने के बावजूद, जबकि इस समय अपने घर में रहने का समय था, बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना खाना बनाने का समय था, और ऐसे समय में 8:30 बजे तक ना जाने घर जाते जाते 11 बजेगी और इतना संघर्ष कर रहे हैं। और यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और इस संघर्ष में बंधु तिर्की ही नहीं, सारे सेकुलर मिजाज के लोग आपके संघर्ष में साथ रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, आप बिल्कुल संयमित तरीके से हमारी माताएं बहनें और जितने भी हमारे नौजवान साथी लोग हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, और जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा, ये कहने के लिए मैं आया हूं। 27 तारीख से झारखंड विधानसभा का सत्र आरंभ होने जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, चाहे इस सत्र में जो भी हो, चाहे विधानसभा से निलंबित होना भी पड़े, लेकिन मैं और तमाम विधायकों के साथ सम्मान विचारधारा वाला विचार विधायकों के साथ मिलकर के इस लड़ाई को सड़क से लेकर के विधानसभा का सदन तक में मैं लड़ने का काम करूंगा। इस बात को मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं, और ये आश्वासन ही नहीं, बंधु तिर्की जो बोलता है वो करता है, आपने सब चीज को देखा है। आपको याद होगा कि जब अंजुमन इस्लामिया का मदरसा बनने की बात आई थी, राइन स्कूल को बनाने की बात आई थी, तब लोगों ने कहा था, विधान कैबिनेट में कहा था कि हम कैसे इन लोगों को राशि देंगे। हमने वहां पर लड़ा और लड़ने के बाद एक परंपरा शुरू किया कि हमारे मुसलमान बच्चे मदरसा में पढ़ते हो या कहीं पढ़ते हो, दूसरे स्कूल में जिस तरह से पैसा दिया जाता है उनको भी इसी तरह से राशि देना होगा। इस बात को हमने कहा और ये इंप्लीमेंट करके दिखाया। मैं यहां जितने लोग हैं उन तमाम साथियों को ये भी कहूंगा कि बहुत जल्द एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास हम जाएंगे। मैं प्रतिनिधिमंडल से आग्रह, जो भी हमारे लोग हैं एक प्रतिनिधिमंडल बने और मुख्यमंत्री जी को हम लोग जाके बोलेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय, आज मेरा ये अस्तित्व का सवाल है, सवाल हम इस देश के हैं और आज हमको विदेशी की बात कहा जा रहा है, विदेशी की बात कहा जा रहा है।
मंत्री के कुर्सी पर हो तो ये तमाम मुसलमान भाई बहनों का देन है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री महोदय, आपने कहा है कि दुमका में कहा है कि एनआरसी एनपीआर और ना जाने ये अमित शाह और मोदी का कौन कौन कानून बनाया हुआ है, हम नहीं जानते हैं, मगर कानून बनाया है। ये सारा कानून को नहीं मानेंगे कहा है और नहीं लागू होने के लिए कहा। मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिन में जब विधानसभा सत्र लाग शुरू होगा, मुख्यमंत्री जी, मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है और ये सवाल मुसलमानों का ही नहीं है, ये एनसीआर हो एनपीआर हो, इसमें आदिवासी लोग भी प्रभावित होंगे, इस बात को जानना होगा आपको। ये कोई एक पर्टिकुलर केवल खास समुदाय पर टारगेट करना ये उचित नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे और यहाँ पर जो चैनल वगैरह लोग अखबार वाला लोग भी हैं तो सुन लीजिए कि हर हालात में मुख्यमंत्री जी आप ऐसे घड़ी में विधानसभा से घोषणा कीजिए ये तमाम काला कानून झारखंड में लागू नहीं होने दिया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा। जब केरल की सरकार ने कहा, केरल की सरकार सुप्रीम कोर्ट जा गई, केरल कह रहा है बाकी अन्य प्रदेश कह रहे हैं कि हम लागू नहीं होने देंगे, लेकिन जो विधानसभा जो आपका 3.5 करोड़ जनता का महापंचायत है उस महापंचायत से मुख्यमंत्री की बात आनी चाहिए, ये काला कानून झारखंड में लागू नहीं होगा। काला कानून लागू करो तो तुम जाकर के मोदी और अमित शाह अपने घर में लागू करो, वोट बैंक का राजनीति नहीं करने देंगे, वोट बैंक का राजनीति नहीं करने देंगे। आज भारत देश का इंडिया गेट में जाके देखो, जहां पर आपका वीर सपूतों ने जो जिन्होंने शहीद दिया है आपका, वहां पर आपका लिखा हुआ मैं पंजाब के लोगों का नाम और ज्यादा से ज्यादा शहीद में मुसलमान का नाम दिखाई देता है, इस बात को देखने का था। देश की आजादी में इनका जितना बड़ा भूमिका है ये मोदी और अमित आप नहीं समझोगे। एक बार तो चाय बेचते हुए ठगने का काम किया और देश का सबसे बड़ा अपराधी, पता नहीं कुछ कुछ बोलेंगे तो कल फिर कुछ दिन ले गया था, फिर ना ले जाएगा, लेकिन इस राज में फांसी भी मिलेगा तब भी तैयार है, लेकिन किसी भी हालात में इस कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा बहुत चीज हमको बोलते बोलते बहुत सारे चीजें आगे बढ़ जाती है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और ऐसा इसलिए कि जो कानून बना हुआ है इस कानून को हम लोगों को खूब विरोध हम लोग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सारे पूरे राज्य में देश में पूरा विरोध हो रहा है और ये सारे चीज आज सोशल मीडिया में आप देखेंगे कई एक बातें आती है। मैं भाषण पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, आप मेरी भावना को जरूर समझे। आने वाले दिन में सदन शुरू होगा, हम निश्चित रूप से आपकी बातों को जोरदार तरीके से मैं उठाऊंगा, इतना मैं आश्वासन देता हूं। और मुख्यमंत्री जी बाहर गए हैं, मैं हमारे तमाम अंजुमन से लेकर के तमाम साथी उनके सदर सारे लोग से मैं बात करूंगा और आग्रह करूंगा कि एक प्रतिनिधिमंडल वहां जाए और मुख्यमंत्री को हम कहें कि आप चले एक बार जा करके आप लोगों से मिले, या तो अपनी जो बात है आपके अपने प्रतिनिधि मंडल के द्वारा वहां पहुंचाए, ताकि 20 दिन से इस कड़ाके के ठंडे में हमारी माताएं बहनें वहां पर बैठी हुई है और ऐसे हालात में उनके साथ खड़ा होना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और इस बात को हम निश्चित रूप से इसको हम बोलने का काम करेंगे। और साथ साथ
मैं जितना भी आपका तारीफ करूंगा कि आप हमारे विशेषकर माताएं लोग, हमारी बहनें लोग, बच्चियां लोग जो आकर के ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हम बिल्कुल संयमित तरीके से लड़ रहे हैं और जायज मांग को लड़ रहे हैं। हमें विश्वास है हम लड़ेंगे और इंशा अल्लाह हम जीतेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, आदाब।